Hi guys, this is Dr. Ali back at your service. Today we are going to discuss about can bipolar patient get married or not. If you are searching for any type of desired language, just go to subtitle section, choose your desired language, you will get a subtitle in front of you. Let's discuss about this ajeeb sa topic. आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या वसीला मर्द या वसीली औरत या चेंज होने वाली मूड्स वाले औरतें या मर्द उनकी शादी किसी ऐसे बंदे या अच्छे बंदे के साथ हो सकती है या नहीं हो सकती। हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं कर सकते तो दुआ लाजमी करें, बिकॉज हर वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। हम स्टार्ट करें। बेशक हमने आपको जोड़ों में बनाया ताकि आप सुकून हासिल कर सको। कुरान की इस आयत से आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। क्या बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज किसी आम इंसान से शादी कर सकता है? तो सबसे आसान जबान में तो ये है कि कर सकता है, कोई मजायका नहीं है। इसको मैं सबूत दूंगा आगे वीडियो में साथ साथ, बट पहले ये जान लो कि बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसे मूड स्विंग्स हैं जिनमें कभी कभार बहुत ज़्यादा अचानक से खुशी होना शुरू हो जाती है और कभी कभार अचानक से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो अब बात ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर वाले बंदे से आपने शादी कर ली तो आप उसके साथ रहोगे कैसे? नंबर वन चीज़, अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, मतलब ये कि आप उसके सिम्टम्स के बारे में हर वक्त जानो। सिम्टम्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ये ऊपर कार्ड में आ रहा है मेल के लिए अलग सिम्टम्स हैं और दूसरे इस कार्ड में आ रहा है फीमेल के लिए अलग सिम्टम्स हैं, तो आप इन पे क्लिक करके इनके सिम्टम्स जान सकते हो। जब आपको सिम्टम्स पता होंगे तो फिर दूसरी चीज़ आती है कम्युनिकेशन, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट की है। आप अपने नेक्स्ट पर्सन को रिलैक्स करवाने के लिए अगर अच्छे कम्युनिकेटर हो तो आप लोग बहुत अच्छे हो। कम्युनिकेशन गैप हमारे रिलेशंस में बहुत सारा है, अगर हम उसको ख़त्म करें तो हम माशरा बदल सकते हैं। आप लोग अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनके साथ इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें। करीब रहेंगे तो एक रहेंगे, दूर रहेंगे तो तोड़ दिए जाएंगे। उसके अलावा ये कि तीसरी चीज़, प्रोफेशनल सपोर्ट वो लाजमी रखें, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए अक्सर औकात दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ जाती है या अक्सर औकात कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी।